अब खबरें विस्तार से। मानगो बस स्टैंड में एक दुकान को लेकर दो लोग उलझ पड़े। वहां बरसों से दुकान चलाने वाले उमेश सिंह ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। मानगो बस स्टैंड में बरसों से दुकान चलाने वाले उमेश सिंह की दुकान JNAC द्वारा ज्योतिष नामक व्यक्ति को आवंटित कर दिया गया है, पर उमेश सिंह ने दुकान छोड़ने से इनकार करते हुए कहा कि जबरदस्ती की गई तो दुकान के सामने ही आत्मदाह कर लेगा। वहां देर तक मजमा लगा रहा। 14 साल जा रही है जिस दिन बस स्टैंड आए उसी दिन से हम पेपर बेच रहे हैं। अच्छा, तो आज क्या समस्या क्या आ गई है? आज समस्या आया कि मेरे बगल में जो है सो दुकान डेवलपमेंट हो रही है, तब दुकान वाला बोलता है पूरे बस स्टैंड से भाग जाइए। अच्छा। पेपर दुकान नहीं रहेगी। हाँ। इसी पर्पस में फिर वो लोग फोन किया, रंजन पांडे आए तो उन्होंने भरबल बोल दिए कि नहीं, बगल में पेपर दुकान रहेगा बहुत दिनों से है, इसको पूरा अपना जगह तो चाहिए नहीं, थोड़ा जगह में टेबल लगा के पेपर बेचेगा। समस्या आ रही कि यदि यहाँ से हमको हटा दिया जाए तो हम शुरू से ही बस बेच रहे हैं। यही करेंगे क्या? अगर हटाएगा तो करेंगे क्या? हाँ, क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? नहीं, यदि हमारी रोजी रोटी पर कोई आपत्ति होगा तब क्या करेंगे? तब कोई तब ऊपर सुसाइड करेंगे, और क्या कर सकते हैं हम? जब बाल बच्चा भूखे मरेगा तो हम सुसाइड करेंगे? किरासन तेल देह में आग लगा के मैं फूक लूंगा, स्टैंड में फूक लूंगा, खत्म हो जाएंगे, और क्या कर सकते हैं? जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार के विरोध में पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन किया गया। जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख और सदस्यों ने सोमवार को जिला मुख्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन किया। विधायक रामचंद्र सहीस ने भी उनको समर्थन दिया है। भ्रष्टाचार की जांच करनी होगी, पंचायत सचिव हमारे जो बैठक होते हैं, ग्राम सभा होते हैं, उसमें हम लोग नहीं बुलाया जाता है, नहीं सूचना दिया जाता है। वीडियो को जो भी जांच करने बोलते हैं, जांच नहीं करके टाल मटल करके जांच भी नहीं होता। इस कारण से हम लोग एक दूसरे से धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं। डीसी ऑफिस के समक्ष में हम लोग चाहते हैं वीडियो का तबादला हो और फर्स्ट जो हुआ इसका जाँच हो। अलग अलग स्थानों में दो लोग पटरी पार करने के क्रम में ट्रेन की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गए हैं। पहली घटना सरायकेला के बीरबास स्टेशन के पास की है, जहां ट्रैक पार करने के क्रम में टाटा बिलासपुर ट्रेन की चपेट में आकर करीम अंसारी नामक व्यक्ति घायल हुए। टाटा जाने का था। अच्छा। हम जल्दी सबको चलने दिए, देखा पकड़े तब तक इतना स्पीड कर दिया। कौन सा ट्रेन में आगे चपेट में? बिलासपुर वाले में जी। जबकि दूसरी घटना लोधा सुली के पास हुई, जहां सुधीर गोप ट्रेन की चपेट में आ गया। दोनों का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में साक्षी में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया। भाजपा कार्यकर्ता को हत्या बंद करो, बंद करो, बीजेपी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुतला जला रहे क्यों? जला रहे आज हम लोग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी का यहाँ पर पुतला दहन किया है। बंगाल में जब से भारतीय जनता पार्टी ताकतवर शक्ति बनकर उभरी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तृणमूल कांग्रेस के द्वारा हत्याएं बढ़ गई है। खाद्य आपूर्ति अधिनियम के लागू होने के बाद से इस योजना का लाभ आम जनता तक कितना पहुंचा है, इस पर एक बैठक का आयोजन किया गया। खाद्य आपूर्ति अधिनियम के लागू होने के बाद इस योजना का लाभ जनता तक कितना पहुंचा और योजना के क्रियान्वयन में क्या क्या अड़चने आ रही हैं, इस पर सोमवार को चर्चा हुई। बैठक में खाद्य आपूर्ति विभाग के सभी अधिकारियों के अलावा सभी CEO और BDO भी मौजूद थे। पोषण की हम बात करें कि उन्हें खाना सफिशियंट मात्रा में दे दिया गया, ये कारण उसकी बात नहीं करता है। ये कारण क्वांटिटी और क्वालिटी
दोनों की बात करता है और इस कानून के अनुसार जो क्वांटिटी हमें देना है जिस चाहे हमें जनवर्धन केंद्र पे जिस पर हम बहुत विस्तृत से चर्चा करेंगे, चाहे हमें आंगनबाड़ी केंद्र पे, चाहे हमें हमें जो है मिड डे मील के रूप में कहाँ पे देना है वो एश्योर करना है कि जिस बच्चों को जो आवश्यक है वो। लगातार 6 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठी आंगनबाड़ी सेविकाओं के पक्ष में आते हुए विधायक रामचंद्र सहीस ने उपायुक्त के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा है। सीएम आवास के सामने लगातार 6 दिनों से धरना पर बैठी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को अब राजनीतिक दलों का समर्थन मिलने लगा है। सोमवार को विधायक रामचंद्र सहीस उनके समर्थन में सामने आए हैं। झारखंड राज्य के 24 जिला से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने अपने महत्वपूर्ण मांगों को लेकर के जमशेदपुर एग्रीकोर्ट ट्रांसपोर्ट मैदान में धरना पर बैठे हैं। आज उनका 6ठा दिन है। मैं पिछले कल उन लोगों के बीच में गया था और उनके मांगों को मैंने सुना, मेरे पार्टी के नेताओं ने सुना और गंभीरता से उन विषयों को हम लोगों ने लिया और उन लोगों को आश्वस्त किए कि आपका जो मांग है आपके मांगों को डीसी पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को भेजेंगे और त्वरित कार्रवाई करने के लिए सरकार से आग्रह करेंगे। यदि इस पर भी सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो आने वाली मानसून सत्र है, उस मानसून सत्र में भी सेविका सहायिकाओं का जो मांग है उस बातों को वहां उठाएंगे और हम लोग आशा करेंगे कि सरकार इन लोगों के मांगों को पूरा करेंगे। शिक्षित बेरोजगार मिनी बस एसोसिएशन की बैठक में डीजल के बढ़ते मूल्य के बावजूद किराए में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया। सोमवार को साक्षी में शिक्षित बेरोजगार मिनी बस एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रतिदिन डीजल के मूल्य में बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की गई। किराए में वृद्धि के मसले पर लंबी चर्चा के बाद फिलहाल किराए में वृद्धि नहीं करने पर आम सहमति बनी। बात आ रहा है कि पुराना भाड़ा मिलता नहीं है। नहीं मिलने का एक कारण यह है कि या तो हम दोषी हैं नहीं तो हमारा स्टाफ। बहुत सारी गाड़ियों में जनरली होता क्या है कि वो गाड़ी अगर 1 रुपया कम करके ले रहा है तो हम भी 1 रुपया कम करके ले रहे हैं, वो 10 मिनट धो रहा है तो हम 12 मिनट क्यों धोएं, ये भी समस्या आ रही आ जाता है। तो अभी मेजर समस्या मान लीजिए जनहित से जुड़ा मामला है, इसमें गरीब तबके के लोग स्टूडेंट लोगों का आना जाना रहता है, जिसे देखते हुए सभी सदस्यों ने फिलहाल ये भाड़ा ना बढ़ाने के लिए मैं विचार किया। लेकिन जिस तेज़ी से डीजल के मूल्यों पर वृद्धि की जा रही है हम लोग इस पर अपनी नज़र रखे हुए हैं और आने वाले दिनों में संभावना है हम इस पर विचार करके भाड़ा बढ़ाने के पक्ष में बयान देंगे आपको, इसलिए कि अभी डीजल के मूल्यों की वृद्धि के एवज में गाड़ी के पार्ट्स पुर्जा पेपर वर्क में मिनी बस एसोसिएशन को कोई आमदनी नहीं हो रहा है। जिला यातायात पुलिस का अभियान बकायदा जारी है और नो पार्किंग में खड़े वाहनों की जब्ती क्रेन के माध्यम से की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाकर लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है, पर अभी भी लोग काफी लापरवाह हैं और नो पार्किंग क्षेत्र में भी वाहन खड़ी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सोमवार को साक्षी क्षेत्र में यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाकर सड़कों के किनारे नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े दर्जनों की संख्या में 2 चक्के वाहनों को क्रेन की सहायता से जब्त कर लिया। Oh!
बड़ी संख्या में लगाई जा रही है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही। इस सूचना पर ट्रैफिक प्रभारी के द्वारा वहां से अवैध पार्किंग को हटाया जा रहा है, और जिसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं।